लेकिन संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले भी कोई सिख धर्म समाज के गुरु तो है नहीं गए। जे गुरु साहबान की सिक्ख्या नहीं मनी जा मन रहे सिख समाज के संत जरनैल सिंह की सिक्ख्या के उत्ते कोई जड़ा आ जरूरी पाबंद हो गए नहीं, वो कोई एक वर्गी हैगा आ। गोल्डी बराड़ ने कल वाला वाक्य किया है तो वो अपनी सार्थका समाज असं चंगे काम करते हैं, यदा मतलब समाज के जा रही है मैसेज कि जेडे सरकार है वो गुरु ग्रंथ साहब का इंसाफ दवा असफल रही है, वो असफलता नहीं है तो आ जे धिर ने यह दवागिया, परंतु समाज में यह जिहड़ा अगे वास्ते भविख में बहुत सारी कीमत तारनी पैंदी है। जदों ये लोग इस पासे चल पे तो फिर इन्हां लोकां जदों ये वर्तारे विच ये लोग ये मनमानियां करनगे उन्हां नूं कौन कंट्रोल करेगा कि असीं वाकई सौदा लाण पासे चले गए कि विचार भी करने ने भी क्यों असीं जात पात विच पै गए हां। परंतु साडे समाज का उस बेअदबी दे वल जिहड़े जुझारू लोग ने उन्हां दा ध्यान घट जांदा आ। उन्हें वो समझते हैं भी जी सीधी बेदबी हुई है गुरु ग्रंथ साहब जी की अग लाती वैसे ही बेदबी की है वो, क्योंकि उन्होंने आपो अपनी निशानदेही कर बेदबी है ये बेदबी नहीं गई हाँ उन्होंने मुताबिक ये लगता है। पर बेदबी गुरु साहब जी गल ना मनना, मैं कहना बेदबी तो मेरे हिसाब न तो गुरु नानक साहब जी की तस्वीर का प्रचार करना भी बेदबी है। किताबों के इतिहास में सिखा के इतिहास में गलत लिखा गया उस उपर की करे कि सौदा लाएंगे कि करे क्यों नहीं बोलते उस उपर फिर ये जी सिख समाज के अवे इसलाबान निशाने 35 साल तो किताबा गलत पढ़ाई जा रही गुरु साहब डाकू तो होर कई तरीके पेश किया जा रहा तो वो भी बेदबी हैगी है। लेकिन असी आस करते क्योंकि हरेक सोसायटी के हरेक हल है जोड़ा गोली नहीं होंगे। निहंग सिंह दो बाट के अम छकया जाता है इतने की होना चाहिए इतने किमें इंसाफ मिलेगा इतने इंसाफ करना किन्ने कि सौदा लगेगा सवाल होंगे संवाद होगा इतने फिर की होगा। ये मसला क्यों नहीं हल हो सकिया दो बाटियां वाला जात पात है क्योंकि ये जेडे निहंगा का आप निहंग सिंह जथेबंदियों तो जेडे लोग अमृत छकते हैं उन्हां दी गिनती बड़ी सीमित होंदी है, मान लो सारे साल के 100 बंदा उन्हां तो अमृत छकता है उन्हां दे विचों ते दूसरे पासे लोग ने जिहड़े वो हजारां लखां दी गिनती छकते हैं दमदमी टकसाल अंदर भी जात पात के आधार पर वितकरे होण दीयां खबरां सानूं मिलदियां रहिंदियां ने। फिर वितकरा तां इत्थे शुरू हो जांदा जे SGPC दे नेम प्लेट लगी दफ्तर के बाद उत्थे जात लिखी जांदी है तो वितकरा तां SGPC तों शुरू हो ही गया। फिर जिहड़ा हुण असीं देख रहे हां जिहड़ा गुरु नानक साहिब जी जिहड़ियां सिक्ख्यावां आ उहदे तों जदे टुटे आ सिख समाज भी टुटे आ उहदे तों। गलबात करांगे कि वाकई इस प्रकाश पुरब के उत्ते असी अपने मन विच्चों जात पात नूं कढ दित्ता है। 553 साल हो गए श्री गुरु नानक देव जी नूं इस धरती ते आए हुए कि उस दे बावजूद भी असी जो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिख्या वह चीज़ां सिख लईआं ने इस उपर चर्चा करांगे। खुशहाल सिंह साडे नाल ने, सर बहुत बहुत स्वागत है पंजाब न्यूज़ दा। धन्नवाद जी। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश हो के गया सच दसना किन्ने कु लोकां ने अपने मन दे विच अपने आप तो पुछया कि असीं धर्म जात विच नहीं हैगे। विजय जी जिहड़ी जात की गल कर रहे हैं असीं गुरु नानक साहिब जी का जिहड़ा टोटल मैसेज है सारे संसार वास्ते है उहदे विच जातां धर्मां खेतरां नसलां तो उपरली गल हैगी है। लेकिन जिथों भी जो समाज जिहड़ा भी समाज हुंदा आ वो अपनिया जड़िया ने जो भी ताजगी धर्म की ताजगी है वो तो दूर हो जाता है तो वो कुरीतियां जातियां जड़िया ने द्वारा हो जाए ने। साडा जिहड़ा भारत का समाज है ये वर्णवंड जात पात के आधार पर सारा चल रहा है आ उस तो अलावा जिहड़ा साडा वड्डा समाज है हिंदू समाज है वह सारा जिहड़ा खड़ा दारोमदार ही खड़ा है वो वर्ण सिस्टम से खड़ा जात पात से खड़ा है। तो पंजाब दे विच जिथों तक असीं कल गुरपुरब मना के हटे हाँ गुरु नानक साहिब जी दी भावनावां गुरु नानक साहिब जी मनुखता नूं एक बराबर देख रहे हैं लेकिन जिहड़े उन्होंने जिहड़ा समाज है असीं अज तों 500 साल 550 साल बाद भी उही समस्यावां दा दे नाल जूझ रहे हैं जिहड़ियां गुरु नानक साहिब जी दे नाल दे वक्त सीगियां। उस नूं असीं कहीए कि समाज दे विच जिहड़ा आ एक प्रोसैस चल रहा है कुछ वक्त जदों सिक्खी ने
सिखी ताजगी आ, गुरु साहब जी तो गए आ, बंदा बहादुर का समा आया, मिसलां का समा आया, उदों दा जे जात पात का वितकरा काफ़ी हद तक पंजाब घट गया। उदा बदौलत सीगे कि छोटे समाज कहे जाने वाले, दलित समाज कहे जाने लोगों ने वड्डियां वड्डियां पदवियां ते जिहड़े आ पहुँच के पंजाब विच वड्डा इनकलाब किया। लेकिन जिहड़ा हुण असीं देख रहे हैं, जिहड़ा गुरु नानक साहब जी जिहड़ियां सिक्ख्यावां आ उहदे तों जदे टुटे आ, सिख समाज भी टुटे आ उहदे तों, बाकी समाज का भी जिहड़ा वो कोई ज़्यादा नहीं है। सो उहदे करके जिहड़ियां बुराइयां समाज दे विच कुरीतियां जिहड़ियां समय समय से फैलदियां रहियां ने, हुण भी साडे समाज दे विच जिहड़ी आ कुरीति हैगी है, क्योंकि असीं देख ही रहे हां कि जिहड़े पिंडां दे विच वेहड़े आ जां पिंडां दी बनतर है, जिहड़ा वड्डा समाज है 37% समाज है, श्रोमणी कमेटी का पिछे कल भी जनरल हाउस होकर हटिया आ, तो असीं जदों उत्थे देखते हैं कि श्रोमणी कमेटी जिहड़ी गुरु नानक देव सिद्धांतां दे चलण दा पहरेदारी करती है, उन्हां दे विचों 100 साल दे विचों कोई दलित जां उस समाज दे विचों जिहड़ा प्रधान नहीं बन सकिया, प्रधान छड्डो जनरल सकत्तर नहीं बन सकिया, तो जिहड़ा सीनियर मीत प्रधान जिहड़ी जां इस तरह के मीत प्रधान दे अहुदे भी कदी इस समाज नूं नहीं मिले, तो हुण दे विच सिर्फ जूनियर मीत प्रधान है जिहड़ा वह हमेशा उस दलित वर्ग तो लिया जाता है, तो 37% जी आबादी है पंजाब दे विच एक बहुत वड्डा वड्डा वर्ग हुंदी है। सो असी जे गुरु नानक साहिब दी सिक्ख्या अनुसार चलते होंगे तो कल भी जी साडे सामने समस्या आई है, उत्थे बीबिया नूं विचों एक भी बीबी है जी उन्हों एग्जैक्टिव कमेटी शामिल नहीं किया गया, फिर रौला पाउन तो बाद 3 बीबिया ने रौला पाया, हरजिंदर कौर ने, परमजीत कौर लांडरा, एक परमजीत होर ने, उन्होंने रौला पाने तो बाद एक फिर बीबी है जी उहदे विच शामिल की जाती है, तो सीधा ही साडे समाज का जिहड़ा फ्यूडल वर्तारा हैगा आ उहदी देण हैगी आ। तो असी देख रहे हैं कि कुछ लोग जिहड़े आ जां इह जिहड़े वर्ग ने उह अपने हक्कां विच लाभमंद हुंदे आ, जागृत हुंदे आ, तां समाज विच इहदा कोई असर ठीक पै सकदा। एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया ते इस समय चलदी पई है कि संत जरनैल सिंह पिंडरांवालिआं दे पिंड विच 18 गुरद्वारे बने ने, संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले दी तस्वीरां उन्हां दी विचारधारा ते कई अज भी सिख चलदे ने, पर उन्हां दे पिंड विच गुरद्वारे ने बन जाणा, कोई सिख सोचदा भी क्यों है, क्यों दो शमशान घाट ने, इस उपर कभी बहस होएगी? विजय मैनू यह नहीं पता हैगा कि वह पिंड की आबादी किन्नी क है, कि है उत्थे जिहड़े लोड़ मुताबिक 18 गुरुद्वारे बने हैं जां उन्हां दियां अपनी चौधरां चों जां वितकरियां चों बने हैं, जे वितकरियां ते चौधरां चों बने हैं फिर यह बड़ी गल माड़ी है, क्योंकि 18 गुरुद्वारे चंडीगढ़ च भी है, चंडीगढ़ दे विच जरूरत हो सकती है क्योंकि आबादी ज़्यादा है, हुण पिंड दे विच आबादी घट है तो उत्थे मैनूं लगदा एडे जे बने हैं तो वो जिहड़े गल तुसीं इशारा करदे हो वो उधर नूं गल जांदी है। लेकिन संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले भी कोई सिख धर्म समाज दे गुरु तां है नहीं गे, जे गुरु साहिबान की सिक्ख्या नहीं मनी जा मन रहे सिख समाज के संत जरनैल सिंह की सिक्ख्या के उत्ते कोई जड़ा आ जरूरी पाबंद होणगे नहीं, वो कोई एक वर्गी हैगा आ, एक जड़ा आ जड़ा जुझारू सोच रखता है, असं कही जड़े लोग ने उस संत जरनैल सिंह अपना आइडियल मानते हैं, तो उन्होंने भी जड़ा असं जितों आए हैं जड़िया उन्होंने संपर्दावान जो उन्होंने जथेबंदियां उन्होंने भी बाकी समाज ना कोई चंगा हाल नहीं है, उत्थे भी जात पात दावित करे होंदिया खबर मैं सीधी तरह दमदमी टकसाल अंदर भी जात पात के आधार पर वितकरे हो खबर सूँ मिलदिया रही ने लगातार कंटिन्यू क्यों सवाल बार बार इस करके क्यों उठता है, क्योंकि पिछली बार इंटरव्यू किया थले कमेंट आए भी ये चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्यों जात पात को लैके पंजाब दे विच चर्चा होंदी पी है, पर जे चर्चा तो हो रही है जे दो दो चीज़ा बनिया हुई ने, जे ना बनिया होंदे अज इंटरव्यू ना भी करते होंगे, पर जे जो तुसी लास्ट बारी एक सवाल चुकया सी कि क्यों SGPC दे नामा दे पिछे उन्हां दी जात लिखी जाती है, फिर वितकरा तो इतने शुरू हो जाता है, जे SGPC दे नेम प्लेट लगी दफ्तर के बाद उत्थे जात लिखी जाती है तो वितकरा तो SGPC तो शुरू हो ही गया फिर नहीं, वो जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ सारे वो चलता रहा है आ, तो प्रता एक वर्तारे का एक प्रतीक हैगा आ, सो इस जात पात जिहड़ी भी चल रही हैगी, वेखो ये एक साडा समाजिक कोड है, जात पात है परमात्मा ने बनाई नहीं, बंदिया ने बनाई हुई है, इतों इतों बंदिया ने अपने समाजिक स्टेट्स तो पैदा की हुई है, सो ये जे हैगी गलत हैगी है, लेकिन साडे समाज के जिवें होर बुराइयां साडी चल रही ने जात पात भी इस तरह चल रही हैगी है, तो ये तो डिस्कस करके ही दू जो असं डिस्कस नहीं करांगे जां किसी डायग्नोज नहीं करते किसी बीमारी का तो इलाज वाल प्रोसैस नहीं चलिया जा सकता, सानू अपनियां जिहड़ियां त्रुटियां समाज दियां
उन्हां दी निशानदेही करनी जरूरी है तो फिर ही वह दूर हो जानी है। मैनू मैं आसवंद दूर कितिया जा सकदियां ने जो गुरु नानक साहब जी के मैसेज से चले पंजाब तो पंजाब दे विच जात पात दे वितकरे बाकी स्टेटां नालों बहुत घट है। मैं मानदा बाकी स्टेटा के जो हरियाणे जा राजस्थान जा बाहर बाहरलियां स्टेटा के वितकरा आ वो वितकरा पंजाब दे विच उहदे मुकाबले मतलब 10% भी नहीं हैगा। ये ठीक है परंतु असीं कहिंदे 10 गुरु नानक दी धरती ते 10% भी नहीं होना चाहिए। बेअद भी होंगी है उस तो बाद पता भी अज तक इंसाफ नहीं मिलिया बेअद भी नहीं होनी चाहिए चाहे कोई भी ग्रंथ है किसी भी धर्म का। असी ये चीज़ें देख लें भी बेअद भी हुई है उसका सौदा ला दो घर पहुँच जाने पर जी बेअद भी कागजा के किताबों के हुई है बेअद भी चाहे जात पात को लैके बेअद भी हुई है इतने कौन ध्यान दूगा कि असी वाकई सौदा लाने पास चले गए कि विचार भी करने ने भी क्यों असी जात पात में पै गए। वेखो ये तो जड़ा है जी तुम इशारा कर रहे हो जिस वाल गल कर करके ये होंदा आ स्टेट की पहली जिम्मेवारी होंदी है कि लोगों को न्याय देवे। जो स्टेट न्याय लमकाएगी अपने पोलीटिकल इरादे एजेंडिया के तहत तो ये लोग अपने हाथ में कानून लेंदे आ। 78 च भी ये होया जेकर निरंकारियों के खिलाफ न्यायपालिका जेड़े आ न्याय देंदी वो एक प्रोसैस नहीं सी पंजाब का जड़ा भी असं पंजाब का संताप हो गया वो दे बदौलत सी गया। हुण भी जेकर 15 तो कोई बेअदबी हुई है तो जिहड़े चैप्टर बंद होने चाहिए आ बंद तो होंगे जो इंसाफ दोगे इंसाफ देने विच तुसीं फेल रहिंदे हो। वो सारिया सरकार तीन जो सरकार दे एडे जी माड़ी कारजगारी है कि वह बंदे जमानत लै जाते हैं। नहीं आप चर्चा चलती है भी कई सिंह है जो जाके चले जाते हैं भी इन्होंने बेअदबी की है फड़ो माफ़ी मंगो लिख के माफ़ी दो पर जात पात क्यों बोल क्यों नहीं बोलते ये सवाल तो यही है ना जो तुम किसी के घर जाके कह सकते हो भी तू बेअदबी की है तो पिंडा में जाके भी प्रचार कर ना ये चीज़ों का इदा जी उन्होंने जी गल की निशानदेही की वक् वक् धड़े के लोग होंगे है जिहड़ा इंटैलीजेंसी का काम हुंदा कि समाज दी संवेदनशील जिहड़ियां उन्हां दी निशानदेही करनी जिहड़े जुझारू लोग ने उन्हां तों असीं उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जिहड़े जात पात वर्गे मुद्दे आ जिहड़े उन्हां नूं उन्हां क्लैरिफिकेशन हैगे वो भी बहुत डेंजरस ने असीं इत्थे डिनाई नहीं करदे उन्हां दी घट हैगी आ। जेकर कोई हैड ग्रंथी किसी ग्रंथी नूं दरबार साहिब दे विच इक टोकदा आजाद दे आधार ते भी आ शब्द पढ़ने आ नहीं वो भी वड्डी बेअदबी है परंतु साढ़े समाज का उस बेअदबी दे वल जिहड़े जुझारू लोग ने जुझारू लोग ने उन्हां दा ध्यान घट जांदा आ उन्हां और समझदे आ भी जिहड़ी सीधी बेअदबी हुई है गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अग लाती जां वैसे बेअदबी कीती है वह क्योंकि उन्हां दी आपो अपनी निशानदेही करदी है बेअदबी है ये बेअदबी नहीं गी उन्हां दे मुताबिक ही लगदा आ पर बेअदबी गुरु साहिब जी गल ना मन्ना। मैं कहना बेअदबी तो मेरे हिसाब नाल तां गुरु नानक साहिब जी की तस्वीर का प्रचार करना भी बेअदबी है क्योंकि गुरु साहब जी कह के आ तस्वीर नहीं मननी असी तस्वीर मानते हैं। गुरु साहब जी जो सानू रोक के गए आ जिहड़े काम रोक के गए जे असी वो काम कर रहे हैं तो असी बेअदबी कर रहे हैं परंतु ये सारा समाज इस तरह नहीं लैंदा हैगा वो आपो अपने जिहड़ी समर्था मुताबक अगे वधदा है। चलो हुण बड़ी चर्चा चलती है कि जे किसी ने बेअदबी की उसका सौदा ला दिता जाए किताबों के इतिहास में सिखां दे इतिहास में गलत लिखा गया उस उपर की करेंगे कि सौदा लाएंगे कि करेंगे क्यों नहीं बोलते उस उपर फिर ये जी सिख समाज के अवे इसलापन की निशानी है 35 साल तो किताबा गलत पढ़ाई जा रही गुरु साहब डाकू तो होर कई तरीके पेश किया जा रहा तो वह भी बेअदबी हैगी है। लेकिन असी आस करते क्योंकि हरेक सोसायटी के हरेक हल है जोड़ा वो गोली नहीं होंगे तुसी समाज दे विच क्योंकि गुरु नानक साहब जी जे दूसरे समाज दे विच प्रवान किए जाते हैं पंजाब दे विच वध तो वध असी फेल हो रहे हैं कि वो वड्डे वर्ग नूं असी नहीं समझा सके गुरु नानक साहब जी कोई बंदा गुरु नानक साहब जी दे इत्थे बेअदबी नहीं कर सकता जे असी समझाया हुंदा असी हो सकता साढ़े तो कितने गलती रह गई है जां साढ़े तो कोई वेसलापन रह गया जिहदे करके वो असी समझा नहीं सके। लेकिन जिहड़ा आ असी कहीए कि हरेक गल दा कोई गोली नाल जां सख्ती नाल कितें नहीं हल हुंदा ये तो असी देखिया सारे समाज दे विच उहनूं तो अपने जिहड़ियां अपने अंदर त्रुटियां ने अपने अंदर घाटा ने उहनूं दूर करना पैंदा आ और साडे समाज नूं भी करना चाहिए आ और ये कोई हल नहीं हैगा असी ये बेनती करते हैं कि सरकार नूं कार्यपालिका नूं कि इस चैप्टर जिहड़े पंजाब दे विच खुल रहे पंजाब दे लोकां ने बहुत संताप हंडाया 78 दा साडे सामने हैगा आ ते होर कोई तीसरा असी पहला 47 च हंडाया फिर 84 च हंडाया ते हुण जिहड़ा आ अफोर्ड पंजाब नहीं कर सकदा कि अपना भाईचारा जिहड़ा सदियां तों ही रह रहे हां इस तरह रहीए
हाँ जिहड़ा साडे नाल जे लोकां दीआं भावनां जुड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल ये चैप्टर नूं तां सियासी हितां वास्ते लमकाउणा नहीं चाहीदा। इंसाफ है जिहड़ा लोकां नूं मिलना चाहीदा, उहदे च कोई भी दोषी है उहदे नूं बणदी सज़ा जिहड़ी आ ਉਹ ਸੰਬੋਲਿਕ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿ ਸੌਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਵਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਸੰਸੀਅਰ ਮਸਲਾ ਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਦੋ ਬਾਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੋਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 2-4 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੋ ਖਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਲਾਪਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਡਾਕੂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੰਨ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੰਨ ਕਿਹੇ ਹੱਥ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੂਗਾ ਵੀ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਨਾਮ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ।
मैं कहना वड्डा समाज है वो 37% लोग ने जे उन्होंने अवेयरनैस हो जाती है मान लो उन्होंने कल मैं दलित सिखा की गल करना जिन्हों का वितकरा हो रहा जे हज़ार बंदा जिथे वितकरा हों उत्थे जाके धरना ला के बंदे हो जाएगा उन्होंने अवेयरनैस नहीं हैगी जो उन्होंने अवेयरनैस हो कि मजाल हैगी जे जे अजक वोटों का युग है 37% लोग वोटा पाते हैं समाज के ये तो उत्ते उतली थले कर सकते हैं सो इस करके जे इन लोगों के अवेयरनैस आ जाती है वो अपना हक मंगन जिते भी उन्होंने खिलाफ लंगर के वितकरा हो रहा या जड़ा भी मतलब मान लो कोई जरा निहंग सिंह जथे है जे जिथे वितकरा हो रहा है उन्होंने सामने जाके धरना देन बाकी समाज भी उन्होंने साथ देगा असं सारे लोग साथ देवे बड़िया उम्मीदा ने जे तुम कहते भी जाके प्रोटेस्ट कर कई दल तो पास चले गए प्रोटेस्ट कौन करूँगा नहीं बहुत सारा वड्डा हिस्सा है मैं पिछले दिनों भाई जत्ता जी के जन्मदिन के उत्ते मैं गया से आनंदपुर साहब बहुत चढ़ती कला के सिख है दलित सिख बहुत पंजाब दे विच ने खास करके मजहबी सिखा का जरा बहुत वड्डा हिस्सा है जेडे अज भी सिखी नाल जुड़े हुए हैं उन्होंने दो गुरुद्वारे बनाए है वक्री मंदिर मस्जिद या वक्रा कोई गिरजा नहीं बनाया हाले पंजाब दे विच गुरुद्वारे ही बन रहे हैं वो अपने आप को सिखी का वारस भी क्लेम करते हैं तो मैं लगता है कि उन्होंने गरीबी तो गुरबत हैगी है गरीबी हैगी अनपढ़ता हैगी है लेकिन ये भी बाहर आने दे कोई ना कोई परमात्मा अकाल पुरख जरूर विध बनाएगा तुम सारी गलबात सुनी है साढ़े नाल मौजूद सन सिख विद्वान खुशहाल सिंह इंटरव्यू करने का मकसद यही सी कि 553 साल हो गए श्री गुरु नानक देव जी ने इस धरती के उत्ते आए हुए कि असी उन्होंने सिक्ख्यावान से चलते हैं जो चलते हैं फिर क्यों जात पात को लैके पंजाब दे विच दो गुरुद्वारे दो दो शमशान घाट बने हुए हैं।